सो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की बात चल रही थी बेटा, सब लोग प्लीज ध्यान दे दो अच्छे से। आ जा बेटा। सो एक्टिव पार्टनर के बारे में मैंने बता दिया, स्लीपिंग पार्टनर ये सिर्फ पैसा देगा, काम नहीं करेगा, ये सिर्फ पैसा देगा, ओनली मनी नो वर्क, ना ये पैसा देगा ना ये काम करेगा। नॉमिनल पार्टनर, सर फिर क्यों ले रहे हम लोग इसको, हम लोग इसे क्यों ले रहे हैं? एक बच्चा बोल रहा सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा रिफ्रेश कर, ऐप बंद करके फिर से चालू कर, दिख जाएगी मुन्ना। बाकी सारे बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? यस यस यस, ओके ओके ओके, चलो डन 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 डन। पार्थ भानुशाली चलो आ जाओ। सर ये ना ही पैसा ला रहा है ना ही काम कर रहा है, तो इसको हमने क्यों लिया फर्म में? बेटा उसके पीछे की वजह बताता हूं। अमिताभ बच्चन को अगर मैं मेरी फर्म में पार्टनर लूं, तो ना ही अमिताभ बच्चन पैसा लगाएगा ना ही वो काम करेगा। उसने बोला भैया मेरा तो नाम का पैसा है, मैं तो सिर्फ नाम का पार्टनर हूं, तुमको अगर अमिताभ बच्चन का नाम अपनी पार्टनरशिप फर्म में जोड़ना है तो मुझे जोड़ना है तो जोड़ लो, मुझे बदले में पैसा दे दो, इतना गुडविल रेम्यूनरेशन। तो नॉमिनल पार्टनर ये बड़े लोग होते हैं जिनकी इज्जत बहुत होती है मार्केट में, ना ही ये पैसा लाते हैं ना ही ये काम करते हैं, तो इन टाइप के पार्टनर को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। इस टाइप के पार्टनर को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। देन उसके बाद माइनर पार्टनर। सर माइनर पार्टनर क्या है बताता हूं। माइनर पार्टनर मतलब ये पर्सन है जिसने अभी 18 साल पूरा कंप्लीट नहीं किया, 18 साल कंप्लीट नहीं किया, उस पार्टनर को हम लोग माइनर पार्टनर बोलेंगे। और ये जो पार्टनर है ये फर्म में सिर्फ बेनिफिट के लिए आएगा। छोटे बच्चे को कोई नुकसान के लिए पार्टनरशिप फर्म में लेता है क्या? सर नहीं समझा। पार्टनरशिप फर्म में अगर प्रॉफिट हुआ तो सारे पार्टनर में बटेगा, माइनर को भी, और लॉस हुआ तो माइनर को लॉस नहीं मिलेगा। मतलब माइनर सिर्फ सुख के हम साथी, दुख में ना हम। माइनर पार्टनर ऐसा गाना गा रहा है, माइनर ऐसा गाना गा रहा है, सुख के हम साथी दुख में नहीं, मतलब दुख में नहीं है। लॉस हुआ तो माइनर पार्टनर को लॉस नहीं मिलेगा, प्रॉफिट हुआ तो माइनर पार्टनर को प्रॉफिट बटेगा, बट लॉस हुआ तो माइनर पार्टनर को लॉस नहीं देंगे। माइनर पार्टनर सिर्फ बेनिफिट के लिए है, माइनर पार्टनर सिर्फ बेनिफिट के लिए है, एडमिटेड ओनली फॉर बेनिफिट, और वो भी सबकी इच्छा होगी तो लो। मैं कौन सा जबरदस्ती तुम्हारे घर पे एप्लीकेशन लेके आया था, मेरे को पार्टनरशिप में लो। माइनर पार्टनर 18 साल से कम है, छोटा बच्चा ही तो है, कौन सा वो खुद आया था? सारे पार्टनर ने अगर मंजूरी दिया तो हम लोग लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, यस और नो। और माइनर पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी भी उसके कैपिटल तक ही सीमित है। सर मतलब यस बिल्कुल सही है बेटा। श्रद्धा कुलकर्णी बोल रही सर माइनर पार्टनर को क्यों लेंगे? ऐश्वर्या राय की बच्ची मेरी फर्म में पार्टनरशिप में आना चाहती है, बोलो मैं मना करूंगा? शाहरुख खान का लड़का मेरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना चाहता है, क्या मैं मना करूंगा? ना। समझे माइनर को क्यों लेंगे? कभी कभार माइनर भी बड़े कमाल की चीज होती है बाबू मुशाय। कोई कोई माइनर एकदम स्किल्ड वर्कर होते हैं, कंप्यूटर का बहुत जबरदस्त नॉलेज है, कोडिंग का नॉलेज है, सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, तो हमने ले लिया उसको पार्टनर। हाँ भैया तू आ जा पार्टनर, है ना, लॉस तेरे को नहीं देंगे। और पार्टनरशिप फर्म अगर बंद हो जाती है, पार्टनरशिप फर्म अगर बंद हो जाती है, यस और नो, तो पार्टनर की माइनर पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है। और कोई मेरे प्यारे बच्चे को डाउट है तो, पार्टनरशिप फर्म अगर बंद हो जाती है तो माइनर पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं रहेगी, उसकी लाइबिलिटी उसके कैपिटल तक ही लिमिटेड है। मतलब माइनर की पर्सनल जायदाद, माइनर की चड्डी बनियान नहीं बिकने वाली है। बाकी पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, माइनर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है। सब लोग साथ में है का मुन्ना? डन। अनिकेत यादव अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते लॉ में घुस गए, लाओ अनिकेत यादव को, अंकित यादव को पकड़ के लेके आ जाओ। आ जा मुन्ना आ जा, लॉ में नहीं जाना है, आ जा बेटा। कंट्रोल यूर इमोशंस, बंधवावर सोडून धोर्यावर भांडू नका। हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे, लॉ में घुस जाओगे तो ये रह जाएगा, यस और नो। हाँ आ जा अंकित, 6 साल 3 साल 4.5 साल उसमें ये एक्ट वो एक्ट सब लॉ में है, देखेंगे, दुनिया बहुत बड़ी है। और यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है, सर नॉमिनल को प्रॉफिट भी देंगे? पार्थ ने एक बढ़िया प्यारा सवाल पूछा है, इसको बोलते डाउट। सर नॉमिनल पार्टनर को हम लोग
प्रॉफिट देने वाले हैं क्या, प्लीज ध्यान देना। दे डू नॉट मेक एनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड नॉट एंटाइटल टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, बट दे आर लायबल टू द थर्ड पार्टी लाइक अदर पार्टनर। अब अच्छे से ध्यान देना, फर्म को काफी बार बड़े नाम की जरूरत होती है, तो मैंने अमिताभ बच्चन को मेरा पार्टनर ले लिया, उसने ना ही पैसा लाना है अमिताभ ने, ना ही उसने काम करना है, बट प्रॉफिट मैं उसको दूंगा अगर ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होगा तो। सो आसान भाषा में आपके सवाल का जवाब है, अगर टर्म्स एंड कंडीशन में पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो देंगे, नहीं लिखा है तो नहीं देंगे, दैट्स इट। इसीलिए पार्टनरशिप फर्म का चार्टर डॉक्यूमेंट है पार्टनरशिप डीड, इसीलिए पार्टनरशिप फर्म का चार्टर डॉक्यूमेंट CHARTER मुख्य डॉक्यूमेंट, यस और नो? और कोई मेरा प्यारा बच्चा, बेटा यहां पे जिस किसी को डाउट है कोई भी पॉइंट में, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, अकाउंट विषयाचा डाउट विचारा रे मूर्खांनो, अकाउंट सब्जेक्ट का नहीं तो लॉ टैक्स हर जगह पार्टनरशिप आता है, यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लॉ में भी है, आगे जाके लॉ में पढ़ोगे आप, डोंट वरी। पार्थ ने एक सवाल पूछा, सर लायबल टू थर्ड पार्टी मतलब बाहर वालों को देना पड़ेगा, जैसे मैं अमिताभ बच्चन और मेरा एक दोस्त, हम तीनों पार्टनर है, अमिताभ बच्चन नॉमिनल पार्टनर है, मान लो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई है ना, इंसॉल्वेंट हो गई, हम दोनों के पास स्टेट नहीं है, तो अमिताभ बच्चन की स्टेट लेकर के थर्ड पार्टी को देंगे, सो लायबल टू द थर्ड पार्टी, उसकी भी तो लायबिलिटी है भैया, भले ही नॉमिनल पार्टनर है लेकिन है ना। और कोई मेरा प्यारा बच्चा, एनीबॉडी क्लियर है लायबल टू थर्ड पार्टी का मतलब समझ में आया? एक बच्चे ने लाइव बैच के एक बच्चे ने सवाल पूछा था लायबल टू थर्ड पार्टी मतलब क्या, देखो ये वाला आगे, और कोई चलो आगे, आ जा बेटा आगे चलो। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, कभी कभी ऐसे भी पार्टनर होते हैं जो भैया है कि नहीं, भले ही मेजर है, यस और नो, लेकिन उन्होंने पहले बोल दिया था मैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए आऊंगा। टाइप ऑफ द पार्टनर ओनली शेयर इन द प्रॉफिट, अगर सबकी इच्छा होगी तो, एंड हिज लाइबिलिटी फॉर द फर्म्स डेप्ट इज अनलिमिटेड, लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, यानी फर्म अगर इंसॉल्वेंट हो जाती है तो उस पार्टनर की चड्डी बनियान तक बिक जाएगी, मतलब उस पार्टनर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन लॉस में वो नहीं आएगा, मतलब सारी चीजें टर्म्स एंड कंडीशन में लिखी रहेगी, है ना। सो पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली मतलब मैं वो पार्टनर हूं, मैं सिर्फ प्रॉफिट लूंगा, लॉस नहीं लूंगा, लेकिन फर्म की लाइबिलिटी अगर रही तो लाइबिलिटी मेरे ऊपर आएगी। ही इज नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, भैया तू सिर्फ प्रॉफिट लेने के लिए आ और तेरा प्रॉफिट ले और निकल, मैनेजमेंट के अंदर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। पार्टनरशिप फर्म में एसोसिएट विद सच पार्टनर फॉर द मनी एंड गुडविल, यस पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। एक बच्ची ने सवाल पूछा है सर माइनर पार्टनर कैपिटल लेके आएगा क्या? यस बेटा डिपेंड्स ला सकता है बिल्कुल, या तो माइनर पार्टनर वो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा रहेगा, अगर उसके पास कोई ऐसा स्किल है कि हम सब पार्टनर ने मिलके हम सब ने मंजूरी दे दी सबकी कंसेंट से, उसको विदाउट कैपिटल ले लिया, या कभी कभी उससे कैपिटल ले सकते हैं, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन। कभी कभी माइनर पार्टनर कैपिटल नहीं लाएगा, कभी कभी माइनर पार्टनर कैपिटल लेके आ जाएगा, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। और कोई मेरा प्यारा बच्चा, उसके बाद पार्टनर बाय एस्टोपेल, एस्टोपेल मतलब मैंने ऑलरेडी बताया था, एक बार अच्छे से ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, डेमो लेक्चर में बताया होगा बट जाने दो, यहां पे फिर से बता रहा हूं। पार्टनर बाय एस्टोपेल का मतलब होता है कह के, जैसे एक पार्टनरशिप फर्म है, प्लीज ध्यान देना बेटा, उस पार्टनरशिप फर्म में ए और बी ये दो पार्टनर है ना, और एक तीसरा एक पर्सन है जो मार्केट में सबको ये बोल रहा है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ। सी सबको क्या बकर कर रहा है, मुँह से, मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ। सर पार्टनर्स इन प्रॉफिट लाएगा कैपिटल, हाँ अगेन पार्टनर्स इन प्रॉफिट कैपिटल लेके आएगा, या फिर अगर पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन, बेटा ये कैपिटल लाएगा नहीं लाएगा, कौन कितना कैपिटल लाएगा, कौन कितना लाएगा, कितना नहीं लाएगा, कितना इंटरेस्ट, ये सब लिखा रहेगा टर्म्स एंड कंडीशन में। हम लोग सिर्फ यहाँ मीनिंग देख रहे हैं, अगर टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है कि ये जो एक पार्टनर है ये पार्टनर कैपिटल नहीं लाएगा तो नहीं लाएगा, सारे पार्टनर की अगर मंजूरी है तो। जैसे मैंने, मेरा एक फ्रेंड है वो खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू करना चाहता है, तो मैंने उसको बोला कि हरीश मथारिया तेरे को कंसल्टेंसी देगा लेकिन मुझे 50-50% पार्टनरशिप चाहिए, मैं काम करूँगा लेकिन मैं पैसा नहीं लाऊंगा, लेकिन प्रॉफिट आधा लूंगा, लॉस भी हुआ तो आधा मेरा, लेकिन मैं पैसा नहीं लाऊंगा।
तो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है। सो कौन कितना कैपिटल लाएगा कि नहीं लाएगा, लाएगा तो कितना लाएगा, नहीं लाएगा तो क्यों नहीं लाएगा, ये सारी बातें टर्म्स एंड कंडीशन में लिखी रहेगी। और सर वो टर्म्स एंड कंडीशन हमें कहाँ दी रहेगी, प्रश्न में, क्वेश्चन में, यस और नो। चलो आ जा, अब पार्टनर बाय स्टॉपेल अच्छे से ध्यान देना। तो ये सी सबको बकर कर रहा है, सबको बक 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 बक, इसको बोलते हैं बक बक पार्टनर, बक बकाऊ। क्या बोलते हैं इसको, बक बकाऊ, यस और नो, क्या बोलते हैं उसको बोलो मैडम, बक 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 बक। सो सी एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा बकर है। उसने सबको ऐसा बोला कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, और ये बोल के मार्केट के साथ में ट्रांजेक्शन कर रहा है, यस और नो, ये बोल के कि मैं उस फर्म का पार्टनर हूं, यस और नो। एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं था, लेकिन वो सबको बोल रहा है कि मैं पार्टनर हूं, एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है, झूठ बोला उसने। तो अब इस ट्रांजेक्शन का जो भी फायदा रहेगा ना, वो फायदा फर्म को मिलेगा, लेकिन अगर लॉस हुआ तो वो लॉस अकेला सी बेयर करेगा। किसके अंदर खुजली थी, पार्टनर नहीं होने के बावजूद भी पार्टनर बोलने की किसके अंदर खुजली थी, तो उसे बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल, है ना, यानी कह के लिया। कैसे लिया, कह के लिया, है ना, कैसे लिया बोलो बेटा, कह के लिया, कह के, यस और नो, क्लियर है। पार्थ भानुशाली बोल रहा है, वो क्यों बताएगा मैं पार्टनर हूं। पार्थ तू सलमान खान से 5 मिनट के लिए मिला, और पार्थ भानुशाली सारी दुनिया को फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ट्विटर, सबको बता रहा है, हैड अ डीप डिस्कशन विद सलमान भाई। क्यों बताएगा रे तू सबको। कभी कभार लोग अपना फायदा, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए गरम तवे का फायदा ले लेते हैं। सी ने मार्केट में ये बोल के ट्रांजेक्शन किए कि मैं उस फर्म में पार्टनर हूं। मैंने मार्केट में ये बोला मैं मुकेश अंबानी का पार्टनर हूं, और ये बोल के मार्केट से मैंने बहुत सारा पैसा उधार ले लिया। बोलो समझ में आया, क्यों बताएगा, क्लियर। और कोई मेरा प्यारा बच्चा, और कोई मेरा प्यारा बच्चा, और कोई बेटा। एक बच्ची ने बोला कैसे लॉस बेयर करेगा, उसकी चड्डी बनियान बेच देंगे मैडम, कलेक्टर का ऑर्डर निकल जाएगा। सी ने अगर ये बोल करके मार्केट से पैसा उधार लिया या कोई ट्रांजेक्शन किया, तो उस ट्रांजेक्शन का जो भी फायदा होगा वो फायदा फर्म को मिलेगा, लेकिन लॉस सी बेयर करेगा। मतलब कल चल के ये लोगों को जो भी पैसा देना है वो पैसा कौन देगा, सी देगा, यस और नो। और कोई मेरा प्यारा बच्चा। पार्थ भानुशाली आपका जवाब मिला रहेगा बेटा, श्रद्धा कुलकर्णी, एनीबडी, क्लियर, क्लियर, पक्का, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आ जाओ आगे, जो भी मन में डाउट है वो पूछने का, चलो आगे, पक्का। सो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हमने देखा है, एक बार वापस देख लो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में क्या क्या था बेटा। टाइप्स ऑफ पार्टनर में एक्टिव पार्टनर, जो फर्म के अंदर में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है मैनेजमेंट में, फर्म के सारे ट्रांजेक्शन में उसका एक्टिव रोल है बेटा। दूसरा स्लीपिंग पार्टनर, भैया स्लीपिंग पार्टनर फक्त पैसा लाएगा, ये काम नहीं करेगा। नॉमिनल पार्टनर, ना ही पैसा लाएगा ना ही काम करेगा, सिर्फ नाम के लिए। माइनर पार्टनर, 18 साल तो पूरा हुआ नहीं, दूध के दांत अभी तक गए नहीं है, और उसके पहले पार्टनर बनने चला, तो भैया सुख के हम साथी दुख में नहीं, मतलब कौन है बेटा, माइनर पार्टनर, क्लियर है। उसके बाद पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, भैया मैं तो सिर्फ सुख का साथी हूँ, भले मैं बच्चा नहीं हूं लेकिन मैं सुख का साथी हूं, तो पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, यहां पे भले ही 18 साल के ऊपर है लेकिन पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनते समय इसने बोल दिया था मैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए आ रहा हूं। एंड पार्टनर बाय स्टॉपेल, मतलब कह के ले लिया, मार्केट के अंदर में ऐसा बोल रहा है सबको कि मैं उस फर्म का पार्टनर हूं, तो वो क्या बन जाएगा, पार्टनर बाय स्टॉपेल। एक बच्चे ने और सवाल पूछा, सर वैसे तो बहुत लोग मार्केट से उधार ले सकते हैं पर फर्म को कैसे पता चलेगा। तो भैया फर्म का तो कोई टेंशन ही नहीं है, फर्म का तो कोई टेंशन ही नहीं यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, तो मार्केट से बहुत लोग उधार दे सकते हैं। अब जो लोगों ने इसको उधार दिया, जो बेवकूफ बन गए वो बन गए, है ना। बहुत मतलब क्या, ये जितना आसान आपको लगता है नीरज भैया उतना आसान है नहीं। मैं ऐसा मार्केट में जाऊंगा, मैं मुकेश अंबानी का पार्टनर हूँ, दो मुझे 500 करोड़, लोग जूते मारेंगे पिछवाड़े में, यस और नो। आप थोड़ी बात की गहराई को समझो, मैंने पूरा प्रॉपरली प्लान करके लोगों को ऐसा बताया कि मैं उस फर्म में पार्टनर हूँ, लोगों को ये यकीन दिलवा दिया कि मैं उस फर्म में पार्टनर हूँ, और लोगों के साथ डील किया, परचेज सेल के ट्रांजेक्शन किए, तो उस समय उस ट्रांजेक्शन से जो भी फायदा होगा वो फर्म को जाएगा, है ना। और अगर नुकसान हुआ तो वो अकेले को बेयर करना पड़ेगा। लेकिन ये सारी किस्सा कहानी, ये ब्रह्मांड, ये कब शुरू होगा, जब ये इसकी चोरी पकड़ी जाएगी तब। सर मान लो सी की चोरी पकड़ी नहीं गई, तो भैया जब तक कि चोरी पकड़ी नहीं गई तब तक चोर नहीं, जब तक चोरी पकड़ी नहीं गई तब तक चोर नहीं, यस और नो। और कोई मेरा प्यारा बच्चा, एनी बडी, एनी काइंड ऑफ डाउट, पूछो पूछो पूछो,
ये सारी बातें कब पैदा होती है, जब वो पकड़ में आएगा। सर वो पकड़ में नहीं आए तो, नहीं आए तो चलने दो राम भरोसे, गाड़ी जब तक चल रही है तब तक चल रही है, एस्टोपेल की बात कर रहा हूं मैं, क्लियर? चलो हाँ बेटा श्रद्धा कुलकर्णी, हम सब चेक करेंगे ट्रांजेक्शन करने से पहले, बिल्कुल सही लिखा आपने, चलो आ जाओ। सो उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं बेटा, प्लीज ध्यान देना आप सभी ने। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड इज द रिटन एग्रीमेंट, इसके बारे में ऑलरेडी हमने देख लिया, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहेगी, चार्टर डॉक्यूमेंट है, और आर्टिकलशिप ऑफ द पार्टनरशिप भी इसको बोलते हैं बेटा। अब अच्छे से ध्यान देना, ये वेरी हेल्पफुल रहेगी अगर आगे जाके फ्यूचर में लफड़ा झगड़ा मारा मारी हाना मारी, अगर कुछ हाफ मर्डर बीप मर्डर हो गया, कुछ झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया पार्टनर्स के बीच में, तो वहाँ पे रिजॉल्व कैसे करें, तो उस समय पार्टनरशिप डीड काम आएगी, और उस डीड के अंदर में क्या क्या कंटेंट है, ये सारी बातें ऑलरेडी हमने देखी है लास्ट लेक्चर में। आ जाओ, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, देन बिजनेस का नेचर, देन पार्टनर्स की सारी इंफॉर्मेशन, कैपिटल कितना लाया, ड्रॉइंग कितना रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर किसी पार्टनर से लोन लिया तो, देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग कौन करेगा, अकाउंटिंग ऑडिटिंग कैसे करेंगे, याद आए क्या, ये डिटेल में कल के लेक्चर में देखा था, आज सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं कोई पॉइंट नहीं समझा तो पूछना है। उसके बाद मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अब गुडविल क्या चीज है, अब मान लो 10 साल से दो लोग घिस रहे हैं, फर्म का अच्छा खासा नाम गुडविल बना लिया, फर्म आसमान की बुलंदियों पे पहुंच गई है, और आज एक गधा आना चाहता है और बोलता है मैं तुम्हारी फर्म में पार्टनर बनना चाहता हूँ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है आ जा फर्म में पार्टनर बन जा, 10 लाख रुपए का कैपिटल देना है और 10 करोड़ की गुडविल। भैया हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, हमने फर्म को आसमान की बुलंदियों पे लेके गए, हमने जब जीरो से चालू किया था तब जीरो का सेल था, आज 10 करोड़ का सेल है, तो भैया तुझे गुडविल तो देना पड़ेगा, बना बनाया कस्टमर मिल रहा है, बना बनाया धंधा मिल रहा है, बना बनाया प्रॉफिट मिल रहा है, तू आज आकर के, हमने पेड़ बचपन में लगाया था तब इस पे फल नहीं आ रहे थे, आज जब तू फल लग रहे तो तू फल खाने आ रहा है, हमारी मेहनत का मेहनताना, हमारी मेहनत का मेहनताना कौन देगा, यस और नो? तो बस वो एग्जिस्टिंग पार्टनर गुडविल के फॉर्म में ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि पहले जो एक रोटी दो पार्टनर खाते थे, अब वो एक रोटी तीन पार्टनर खाएंगे, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर का प्रॉफिट में सैक्रिफाइस होगा कि नहीं होगा, पहले एक रोटी हम दोनों खाते थे, अब तो तीसरा आके मुंह मार रहा है उसके अंदर में, तो भैया अब रोटी के अंदर में टुकड़े हो गए ना, तो मेरा भी सैक्रिफाइस हुआ, इसका भी हुआ, एग्जिस्टिंग पार्टनर का लॉस हो गया, नए पार्टनर को भी तो प्रॉफिट देना पड़ेगा, यस और नो? क्लियर है? चलो गुडविल के बारे में चिंता मत करना, देखेंगे हम लोग आगे, पूरा एक टॉपिक है गुडविल के ऊपर। देन उसके बाद नया पार्टनर अगर आएगा तो उसके लिए क्या प्रोविजंस है, क्या प्रोसीजर्स है, कोई छोड़ के जाएगा तो क्या प्रोसीजर है, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या प्रोसीजर है, फर्म बंद करना है तो क्या प्रोसीजर है, आपस में काम कैसे बांटेंगे, एंड बैंक अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, चेक साइनिंग अथॉरिटी किसके पास है, एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन। बाप रे बाप, इतनी सारी चीजें है, बाप रे। सर ये अगर एग्जाम में प्रश्न आए तो लिखना पड़ेगा क्या? हाँ, एक एक सेंटेंस में लिखना है, याद है वो एक एक सेंटेंस कौन सा है, कल मैंने झाड़ बना के दिया था ना आपको, गुलाब का फूल का झाड़ या गोभी का फूल, अलग अलग फाटे फूट रहे थे उसको ब्रांचेस, याद आया कल का लेक्चर इसके पहले का, तो उसके अंदर में सारी चीजें मैंने शॉर्ट एंड स्वीट सेंटेंस में लिख करके दी है, लिख पाओगे पक्का? सर देन गुडविल वुड नॉट बी एडेड टू द कैपिटल, ओम रघुवंशी, ओम रघुवंशी आ जाओ, ओम रघुवंशी को खेचो नीचे, आ जा मुन्ना, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, आ गया जगह पे, गुडविल आएगा तब देखेंगे, बाकी बच्चों को डरा मत बाबा, बहुत पाप लगता, ऊपर वाला फेल कर देता, ऐसी डेढ़ होशियारी करी तो। चलो आ जाओ सर, हाउ विल गुडविल बी मेजर्ड एंड व्हाट इज द सॉलिड क्राइटेरिया कंडीशन, तैयब शेख आऊंगा, शांता भाई के आने से दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, शांता भाई के साथ बैठो, गुडविल टॉपिक आएगा तो आपके अंदर जितनी गुडविल की खुजली है सब निकाल देना, सब बता दूंगा, रिलैक्स, अभी वो नहीं है, बाकी बच्चे डर जाएंगे, बोलेंगे ये कहाँ से एलियन आ टपक पड़े पके हुए आम की तरह, जो गुडविल गुडविल चिल्ला रहे, मत चिंता करो, गुडविल आएगा तब बताऊंगा। जो बच्चा लेक्चर ऑफलाइन देख रहा हो डर जाएगा ना, बोलेगा सर ये गुडविल कहाँ से पूछ लिया किसी ने, है ना? चलो ओके ओके, चलो आ जाओ, यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर है? एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, सब लोग अच्छे से ध्यान देना, गुडविल मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, गुडविल आएगा, आगे आएगा तब देखेंगे, अभी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके, और कोई बाकी, ये जो मैंने बताया ये सारी चीजें क्लियर है, ठीक है? डन 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 डन,
चलो आगे, बिल्कुल चिंता मत करना। ओके ओके चलो, हुआ तो गुडविल आज ही स्टार्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देन आ जाओ, बहुत प्यारी चीज है, अच्छे से ध्यान देना। अब आप सभी को मालूम है सारी टर्म्स एंड कंडीशन कहां पे लिखी रहती है, पार्टनरशिप में। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कुछ मैटर्स पे, अगर पार्टनरशिप डीड, इफ पार्टनरशिप डीड, या तो डीड बनाया च नहीं, या डीड बनाया तो साइलेंट है कुछ मैटर्स पे, ऑन एनी पॉइंट, तो किसको फॉलो करेंगे? सर समझा ही नहीं क्या पूछना चाह रहे हो। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला। यस मुन्ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पॉइंट बताता हूं, देखो ध्यान देना बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब ये पार्टनर है, ये फर्म है, ये पार्टनर ने फर्म में कैपिटल लाया 10,000 रुपए का, तो फर्म पार्टनर को कभी कभी इंटरेस्ट देती है, उस इंटरेस्ट को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया मैंने पार्टनरशिप फर्म में मेरे जेब से पैसा लगाया, मनी और मनी इज वर्थ में जो भी कुछ लगाया, उसे मैं क्या बोलूँगा? कैपिटल। कैपिटल इज एन इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। पार्टनर्स कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट बाय द पार्टनर इन द बिजनेस। तो उस कैपिटल के ऊपर पार्टनर को ब्याज व्याज इंटरेस्ट भेटना, इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर साक्षी? चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर आगे कैलकुलेशन आएंगे बेटा वापस। चलो आ जाओ, और कोई मेरा प्यारा बच्चा, और कोई, और कोई, और कोई बेटा? साक्षी एक्नॉलेज करो, अपने होने का एहसास दो। डाउट क्लियर है साक्षी पाठक? ओ साक्षी पाठक, साक्षी मैडम भाग गए, कोई बात नहीं, चलो ठीक है आ जाओ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, चुप्पी चुप्पी साथ के रखी है पार्टनरशिप ने, पार्टनरशिप डीड ने, पार्टनरशिप डीड कुछ कह नहीं रही है कुछ मुद्दों पे, तो उस समय उन मुद्दों का हम लोग क्या करेंगे, उस समय उन मुद्दों का क्या करेंगे बेटा? प्लीज ध्यान देना, जैसे पार्टनरशिप डीड में कौन पार्टनर कितना प्रॉफिट लेगा इसके बारे में कुछ नहीं दिया है, तो कैसा देंगे हम लोग? इक्वल। कैसा? इक्वल। अगर डीड में कुछ लिखा नहीं है, अच्छे ध्यान देना, पार्टनरशिप डीड में कौन पार्टनर कितना प्रॉफिट लेगा इसके बारे में डीड में कुछ नहीं, डीड ने क्या साथ के रखी है? चुप्पी। क्या साथ के रखी है? चुप्पी। डीड के अंदर कुछ लिखा नहीं है कि कौन पार्टनर कितना प्रॉफिट लेने वाला है, तो उस समय हम लोग पप्पा को फॉलो करेंगे। पप्पा कौन है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, यस और नो? सो पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो वहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करेंगे, और एक्ट कहता है कि भैया सभी को इक्वल प्रॉफिट मिलेगा, फिर भले ही किसका भी कितना भी कैपिटल हो, किसका भी कितना भी कैपिटल हो, सबको कैसा प्रॉफिट मिलेगा? इक्वल। मान लो दो पार्टनर है, एक ने कैपिटल लाया 10 करोड़, एक ने कैपिटल लाया 100 रुपए, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो 10 करोड़ वाला रहो चाहे 100 रुपए वाला रहो, सबको इक्वल प्रॉफिट मिलेगा, 50-50। तीन पार्टनर है तो 1/3, 1/3, 1/3, यस और नो? चार पार्टनर है तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। इसीलिए कहते हैं पार्टनरशिप डीड में सब लिखा पढ़ी में होना चाहिए कौन कितना प्रॉफिट लेगा, और अगर लिखना भूल गए, और अगर लिखना भूल गए तो कितना मिलेगा बेटा प्रॉफिट? इक्वल। क्लियर? यस। चलो आ जाओ आगे। उसके बाद दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड साइलेंट है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड ने क्या साधी है? चुप्पी। तो फिर वहां पे क्या करेंगे बेटा? वहां पे किसी को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, भागो यहां से, किसको कुछ नहीं मिलने वाला है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है, तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? जीरो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में पार्टनरशिप में कुछ नहीं लिखा है ना, तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इतना ही ध्यान रखना बेटा। अब ध्यान देना, काफी बार क्या होता, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखा है, लेकिन कब विड्रॉल किया, विड्रॉल की डेट नहीं दिया है, तो हम लोग सोचेंगे बीच में विड्रॉल किया, साल के बीच में मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट लेंगे,
साल के बीच में विड्रॉल किया मतलब कितने का महीने का इंटरेस्ट लेंगे बेटा, 6 महीने का, कितने महीने का, 6 महीने का, यस और नो? सर लॉसेस भी इक्वल होगा? अरे वाह, अंकित यादव ने ऐसा भारी का सवाल पूछा है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है तो भैया लॉस भी इक्वल, भी इक्वल में बटेगा ना भैया, ऐसी कैसी बात कर रहा है? हाँ मैंने पहले दिन ही बताया था, कॉमन सेंस भी अप्लाई करना है, मानता हूँ विच इज़ वेरी अनकॉमन, लेकिन अप्लाई करना है। तो प्लीज़ मैं जब भी बोलूँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो समझ जाओ लॉस भी आ गया ना, निगेटिव प्रॉफिट को ही अंग्रेजी भाषा में लॉस कहते हैं, पॉजिटिव प्रॉफिट को आप लोग प्रॉफिट कहते हो, निगेटिव प्रॉफिट को लॉस कहते हैं। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब इतना भी सीरियस नहीं हो जाना कि लॉस नहीं है, सर लॉस के बारे में तो बोला ही नहीं है, यस और नो? बच्चे का नामकरण करना है इसका मतलब ये नहीं कि उसका नाम ही करण रख दो, उसका नाम करण के अलावा कुछ और भी हो सकता है, इतना सीरियस भी नहीं होना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट लॉस दोनों आ गए हैं, या अंकित यादव प्रॉफिट के ऊपर ही चिपक गया, ऐसा नहीं बेटा। निगेटिव प्रॉफिट मतलब लॉस, पॉजिटिव प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट लॉस सबका आ गया, डन? ओके वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, चलो आ जाओ आगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, सो पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में कुछ नहीं दिया है, पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में नहीं दिया है कुछ भी, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना रहेगा? 6% पर एनम। सर मतलब क्या है? अरे बाबा ये पार्टनर है, ये फर्म है, ये फर्म ने पार्टनर से पैसा उधार लिया, अरे बाप रे ये पार्टनर तो बहुत बड़ा साहूकार निकला रे, ये फर्म ने पार्टनर से पैसा उधार लिया तो फर्म इसको कितना इंटरेस्ट देगी? अब इस इंटरेस्ट के बारे में डीड में कुछ नहीं लिखा है, तो कितना इंटरेस्ट देगी? 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड नहीं, सिंपल इंटरेस्ट। सर कंपाउंड और सिंपल में क्या फर्क है? वो आपके मैथ्स के टीचर से पूछो, वो बताएंगे बेटा आपको, यस और नो? क्लियर? पक्का? चलो आगे। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछ ले मुन्ना, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी? यस। हाँ क्या हाँ हाँ डन। चलो सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये अपोजिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का नहीं समझा, वापस बता दो। ये पार्टनर है, ये फर्म है, पार्टनर ने फर्म से पैसा लिया, विड्रॉल किया, ड्रॉइंग किया, तो फर्म इसके ऊपर इंटरेस्ट लेगी ना, जैसे कैपिटल के समय फर्म इंटरेस्ट देती है वैसे ड्रॉइंग के समय फर्म इंटरेस्ट लेगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में अगर कुछ नहीं बोला है डीड में तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यस और नो? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के ऊपर आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा बेटा, चिंता मत करना, एक एक चीज के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपको देखना है। यस मैं दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ बेटा। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर के बारे में डीड में कुछ नहीं लिखा है, तो नो नो सैलरी नो कमीशन नो रेम्यूनरेशन, नो सैलरी नो कमीशन नो रेम्यूनरेशन। मतलब सर हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग ये देख रहे हैं बेटा पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है कुछ मुद्दों पे, कुछ मुद्दों पे, तो उस समय क्या फॉलो करना है। उसके बाद एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर किसी नए पार्टनर को फर्म में आना है तो सारे पार्टनर का परमिशन लेना पड़ेगा, सारे पार्टनर का परमिशन लेना पड़ेगा, यस और नो? कोई भी मेरा प्यारा बच्चा अगर किसी को कहीं पे भी डाउट है तो एक बार पूछ लो बेटा एक बार। यो एनीबडी, हेलो देयर, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? सर आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में समरी टाइप में कुछ तो लिखवा के दे दो। यस बेटा अभी लिखवा के देता हूँ। ये देखो जादू 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 जादू, यो 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 यो, ये देखो ये मैंने अपना नाम मिटा दिया, मिटा के अपना नाम दूंगा तुझे नहीं पहचान। चलो दिख रहा है बेटा सभी को? सो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, कौन कौन से मुद्दों पे साइलेंट है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर को सैलरी कमीशन और रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा? मानधन रेम्यूनरेशन,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर, लोन फ्रॉम पार्टनर, लोन फ्रॉम पार्टनर, यस और नो? चलो, सो वहां पे हम लोग क्या फॉलो करेंगे, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, बोल मुन्ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा शून्य, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शून्य, सैलरी शून्य, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल, लोन अगर लिया पार्टनर से तो इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट रहेगा 6% पर एनम, और किसी नए पार्टनर को अगर फर्म में आना है तो कंसेंट परमिशन ऑफ ऑल पार्टनर, ये थी समरी। लिख लिया बेटा समरी सभी ने? हाँ, बस बिल्कुल ये वो ही सिचुएशन है जिसके लिए डीड में कुछ नहीं लिखा है। यस बेटा पक्का समरी ली ली क्या रे बाड़ा? समरी लिख लिया सभी ने? नीरज का मैं सवाल ही नहीं समझ में आया। नीरज बोल रहा है सर अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप बाद में लिख सकते हैं क्या? ए कुछ भी पूछते रहता है सर। सैलरी जीरो? हाँ, पार्टनर को सैलरी जीरो मिलेगा डीड में अगर, देखो बेटा पार्टनर को प्रॉफिट तो मिलता ही मिलता है। कभी कभार क्या होता है पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है कि हर एक पार्टनर को 10,000 रुपये महीना सैलरी भी मिलेगी, और अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी टू द पार्टनर के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो शून्य मिलेगा। प्रॉफिट मिल रहा है ना तुमको तो चुप करके लो ना, प्रॉफिट तो मिल ही रहा है। सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन? हाँ बेटा सैलरी चेंज होती रहती है। और कोई, और कोई प्यारा बच्चा मेरा? डन 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 डन, ओके थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ, शब्बा केयर एंड डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, डन 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 डन, बाय 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 बाय।